हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बजरंग स्टडीज। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबर कमांड के कमांडिंग चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज पांडे। अंडमान एंड निकोबर कमांड के नए कमांडिंग चीफ मनोज पांडे नियुक्त हुए हैं। अंडमान एंड निकोबर आइलैंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल। और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबर कमांड के कमांडिंग चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज पांडे। और अंडमान एंड निकोबर आइलैंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2 जून। तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाया गया है। दो जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। पहले गवर्नर ESL नरसिम्हन और प्रेजेंट CM है के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदर राजन। और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 2 जून को। 2 जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था और इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और उस वक्त इसके पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे और गवर्नर थे ESL नरसिम्हन। और अब प्रेजेंट में CM के चंद्रशेखर राव ही हैं और गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदर राजन और कैपिटल है हैदराबाद।
इस कंपनी ने लोगों में दूरी रखने में मदद करने के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया है। गूगल ने सोडर ऐप लॉन्च किया है किस लिए? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, यानी दूरी बनाए रखने में लोगों में, लोगों के बीच में दूरी हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसमें हेल्प करने के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया गया है। गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अध्यक्ष हैं सुंदर पिचाई। तो किस कंपनी ने लोगों में दूरी रखने में मदद करने के लिए सोडर ऐप लॉन्च किया है? गूगल ने। और गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अध्यक्ष हैं सुंदर पिचाई। हाल ही में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किसने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है एमएसएमई की मदद करना। उद्देश्य है एमएसएमई की मदद करना, उनकी शिकायतों को सुलझाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी स्थापना 2007 में हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो हाल ही में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किसने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। उद्देश्य क्या है? एमएसएमई की मदद करना, उनकी शिकायतों को सुलझाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी स्थापना 2007 में हुई और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली।
किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है अनुसंधान और विचार के आदान प्रदान से दवा और टीकों के विकास में तेजी लाना और विकास विकसित उत्पादों में निर्माण क्षमता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। CTEC का मीन्स है COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष हैं ट्रेडोस एड्रेनो। तो किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTEC लॉन्च किया है? WHO ने। उद्देश्य है अनुसंधान और विचार के आदान प्रदान से दवा और टीकों के विकास में तेजी लाना और विकसित उत्पादों में निर्माण क्षमता बढ़ाना। CTEC का मीन्स है COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोर्ट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोम। PFC के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लो। PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऊर्जा वित्त निगम। इसकी स्थापना 1986 में हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो PFC के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लो,
पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऊर्जा वित्त निगम, इसकी स्थापना 1986 में हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किस राज्य ने केफोन नामक मुफ्त इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की है? केरल। केरल राज्य ने केफोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है गरीबों में मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना। और इसे इस साल दिसंबर तक शुरू किया जाएगा। केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो किस राज्य ने केफोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने। उद्देश्य है गरीबों में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करना और इसे इस साल दिसंबर तक शुरू किया जाएगा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।